सूरत लेकर चलेंगे जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन जारी है कार्यक्रम के विचार में है तो ये पुण्य हम आप सभी को मिलता है और जब पुण्य करते हैं तो उसका फल भी ईश्वर देता है क्योंकि कंठ को जब पानी मिलता है जब पानी की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति की आत्मा कितनी तृप्त होती है। मैं यही कहना चाहता हूं एक तरफ तो वो पानी पिलाने वाले हैं जो पानी पिलाने का काम करते हैं पानी की नई नई योजना बनाने का काम करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी को पानी पिलाते हैं तो बीच में रोक लेते हैं और वो रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि अभी अभी आपने देखा जो मैंने आपको उदाहरण दिया है लेकिन वो देखते हैं वो कहते हैं ना कि एक हांडी तो जाती है लेकिन जात देख ली जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये स्थिति उनकी होती है क्योंकि जो पानी नहीं दे सकता लेकिन मुंह से बोलो तो मत ही वो कह रहे हैं कि समझौता हो गया तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं एक तरफ तो जल की बूंद बूंद की चिंता कर रहे हैं कि मेरा गांव का पानी गांव में रुके खेत का पानी खेत में रुके किसान को उसका फायदा हो उद्योगपति को फायदा हो पशुओं को फायदा हो पक्षी को पानी पीने की परेशानी नहीं हो और एक तरफ वो लोग हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं। मैं पुनः इस अनूठी पहल के लिए प्रेरणादायक पहल के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री सम्मानीय पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गुजरात भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्राट चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि एक नई पहल के लिए आपने दो कदम बढ़ाए हैं। मित्रों जब हम एक दो कदम बढ़ाएंगे तो हजारों कदम बढ़ेंगे और हमारी समस्या का समाधान भी होगा और एक पुण्य का कार्य होगा। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा।